एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का हम फर्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं, हम इसी सेशन में करने वाले हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड, ये 5 क्वेश्चन हैं, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, ये जो आपका लास्ट में 85 है, ये नंबर पॉइंट के पहले आना चाहिए, इसमें से एक यानी कि 8 आना चाहिए आपका पॉइंट के पहले। देख लीजिए, हम इस पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 85 डिवाइडेड बाय, देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो पॉइंट की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें पॉइंट के पहले एक नंबर चाहिए होता है, ठीक है। सो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा वन पॉइंट हुआ, सो यहाँ लिख सकते हैं 8.5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर, क्या हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 अगेन 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं। इसी तरह सेकंड हम कर लेंगे सिमिलरली। अब सिमिलरली सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए अगेन, यहाँ पे क्या है हमारा दिया हुआ, लास्ट में 942 यानी 9 के बाद हमें क्या, राइट लेफ्ट साइड में पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमें 9 आना चाहिए। सो ऐसे लिख सकते हैं 9.42 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना होगा हमारा 11 होगा कि नहीं, और ये आप देख लीजिए एक्ट 1 12 हो जाएगा। सो हमें क्या लेना होगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे 9.42 10 रेस टू 12, कितना होगा हमारा 12। अब इससे पहले के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा याद अगर हो तो मैं बता दूँ, ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू होता 1 बाय ए रेस टू एम, ये फार्मूला आपको याद रखना है, यानी कि 1 अपॉन ए रेस टू एम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसमें, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.42 इंटू 10 रेस टू माइनस 12, ठीक। अगेन थर्ड वन क्वेश्चन आप देख लो, थर्ड वन क्वेश्चन क्या है हमारा, ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमारा, क्या है 602 और इस पर कितने टाइम ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हम इसको लिख सकते 6.02 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 टू दी पावर कितना 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, हमने 13 लिख दिया। अब हमने यहाँ पॉइंट ले लिया है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 हम कर सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2, क्लियर हो रहा है। अब पावर पावर सेम हो, तो हमने क्या करना है 0.6.02 इंटू 10 टू दी पावर 15, ये आपके आंसर्स हो गए। फिर से आप समझना इसको, इसको हमने किया क्या, पॉइंट के पहले 6 को हमने राइट साइड में लिया, पॉइंट के बाद 02 लिया, यानी कि यहाँ देखो पॉइंट को हम 1 और इसके बाद जितने डिजिट आते हैं उतने 0, तो यहाँ 100 हुआ, 100 को हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने 10 पे काउंट किया कितने टाइम, तो 13 टाइम, 13 और 2 कितना हुआ हमारा 15, तो इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। अगेन फिफ्थ वन क्वेश्चन है आपका 0.00000837, अभी हमें क्या है राइट लेफ्ट साइड में हमें केवल 8 लेना है, क्लियर है। सो हम लिख सकते 8.37 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह क्या लेंगे हम 1 लेंगे, अब पॉइंट की जगह 1 हमने लिया, सो कितने टाइम्स काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, कितने टाइम्स 9 टाइम्स में काउंट करना है यहाँ पे, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख लो ऐसा, इसको फिर हम क्या करेंगे इसी फॉर्म पे ले जाएंगे, हम इस फॉर्म पे हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा
8.37 10 टू दी पावर 9। ये आपके आंसर हुए। लास्ट वन क्वेश्चन इसका है, फिफ्थ वन आपका क्वेश्चन है, फिफ्थ 3186000006। सो हमें इतना है 3.18, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट की जगह 1 1 0 2 0 3 0, 3 टाइम्स हमने 0 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 टाइम्स 0 है, हमने 7 टाइम्स 0 यहाँ पे पुट किया। अब ये ऐसे लिख सकते 3.18 इंटू 10 टू दी पावर 3 एंड 10 टू दी पावर 7। पावर पावर में आपको पता है मल्टीप्लाई बेस सेम है इसका, सो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे, पावर प्लस हो जाएंगे, 3.18 इंटू 10 टू दी पावर। ये आपके फर्स्ट वन क्वेश्चन फिनिश हुआ है।